एक बार फिर से गीतों और तरानों की महफिल को, किस्से कहानियों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अगली कहानी है रविंद्र जैन की कहानी। रविंद्र जैन ने जब बचपन में संगीत सीखना शुरू किया तो उनके पहले गुरु थे मास्टर G.L. जैन, घमंडी लाल जी जैन। उनसे थोड़ी बहुत तालीम हासिल करने के बाद रविंद्र जैन ने अपने दूसरे गुरु पंडित जनार्दन से तालीम लेना शुरू कर दिया। पंडित जी से जब रविंद्र जैन ने संगीत सीखना शुरू किया तो उस वक्त रविंद्र जैन 5 या 6 बरस के रहे होंगे। इतनी कच्ची उम्र में भी पंडित जी उन्हें बड़ी मेहनत करवाते थे और एक अनोखे तरीके से संगीत का रियाज करवाते थे। पंडित जनार्दन बालक रविंद्र को ऐसे नहीं कहते कि इस सरगम को इतनी बार गाना है। मान लीजिए कोई एक राग है, उसका पलटा है, सरगम है, आरोह है, अवरोह है, वादी है, संवादी है, पकड़ है, वो नंबर ऑफ टाइम के आप 15 बार ये गा दीजिए, सा गा मा धा नि सा नि दा मा गा मा धा नि सा, ऐसा नहीं। बल्कि वो एक माचिस की डिब्बी ले लिया करते थे और उसमें से माचिस की तीलियां निकाल के ये बच्चे रविंद्र के सामने रख देते, फिर उससे कहते कि इसमें से एक तीली निकालो, फिर एक सरगम गाओ और उस तीली को वापस माचिस की डिब्बी में रख दो। जब तक ये सारी तीलियां खत्म नहीं हो जाती तब तक बेटा तुमको ये सरगम गाते रहना है। ये बच्चा रविंद्र जैन भी उस वक्त धुन का पक्का था तो वो भी बिना तीलियों को गिने और बिना घबराहट के उतनी ही बार सरगम गा जाया करता था जितनी की माचिस की डब्बी में तीलियां होती थी। वक्त की चिंता ना शिष्य को थी और ना ही गुरु को। कभी कभी पंडित जी माचिस की तीलियों की जगह एक कटोरी में चने की दाल ले आया करते थे और बच्चे से कहते, रविंद्र इसमें से एक एक चना निकालना, जितने चने हैं उतनी बार इस राग का पलटा या सरगम तुम्हें गाना है। ये था कड़ी मेहनत, अटल इरादा। इसी संकल्प, कड़ी मेहनत, समर्पण की वजह से एक दिन रविंद्र जैन रविंद्र जैन बन गए। जब मैं वापस आऊंगा तो आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। ये किस्सा है लता मंगेशकर का, ये किस्सा है मदन मोहन का। कैसे मदन मोहन बन गए एक दिन लता के लिए मदन भैया। मदन मोहन और लता मंगेशकर की कहानी, लता मंगेशकर की जुबानी। थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।